पूरा कॉर्बेट दिख रहा है, वहां से आए हम, नदी दिख रही है भाई। पहुंच चुके हैं वनवासा भाई। रास्ता लास्ट 12 किलोमीटर बहुत बेकार रास्ता था। कार का देखो क्या हाल होता है, ऐसा लग रहा है लेह लद्दाख से आए हैं, ऐसी हो जाती है लेह लद्दाख में भी। भाई पहुंच चुके हैं वनवासा रिजोर्ट। तो पहले एंट्री करवा दे ठीक है, आ जाओ फिर सामान निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ग्रैंड रिसेप्शन है। और देखो यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, और ये यहाँ भी किताबें हैं भाई, बेस्ट है। और ये देखो किस तरह से इन्होंने पत्थर सजाए हुए हैं। चलो एंट्री करवा देते हैं। लास्ट का 12 किलोमीटर का खराब हो रहा रास्ता है ना, बन रहा है वो बन जाएगा। सो भाई एंट्री तो करवा लिए, सबसे पहले कोटेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेटल होंगे। यहाँ पर तो मजा आएगा, ये है पूरा रिजोर्ट वाला फील, घूम भी लेंगे यार, स्विमिंग पूल। हम लार्मी रेंज में थे ना कल, तो पहले लार्मी रेंज का एक्सपीरियंस लिया, अब इसका लेंगे। हाँ एक ही है ना, इधर आ जाए। ठीक है पूरा एक ही सिंगल है, दोनों एक उसमें रुकेंगे, अलग अलग है। ठीक है समझ गया मैं, एक का मुँह इधर एक का उधर। तो भाई लाहरमी रेंज की तरह ही है, दो रूम है, एक का मुँह उधर एक का इधर। तो देख लेते हैं भाई, भाई क्या हवा चल रही है, इस तरफ से पूरा वैली व्यू आ रहा है। हाल देखो। हाँ हाँ पता है मेरे को। हाँ आ जाओ इधर आओ, लाइटें जला दो सारी। भाई इनके रूम काफी बड़े हैं, चिमनी काफी बड़े रूम हैं। और ये देखो बाथरूम भी काफी बड़ा है। ला हर्मिटेज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ला हर्मिटेज का हाफ है, कोई बात नहीं। बालकनी भी है इनके पास। वाह भाई ये बालकनी, वाह क्या बढ़िया है। हाँ और व्यू देखो है क्या बेहतरीन है। तो हम इधर से ही आए हैं भाई, पूरा वैली का व्यू दिख रहा है जहाँ से हम आए हैं, इस तरफ से ऐसे बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ दूसरे देख लेते हैं। एक ये साइड है। टोटल कितने कॉटेज हैं? 30 हैं। और जो सबसे अच्छा व्यू आता है वो किससे आता है? अच्छा सब एक ही है। एक ये है भाई, यहाँ भी है बालकनी, पर यहाँ की बालकनी थोड़ी बड़ी है। ये यहाँ से भी ऐसा व्यू आ रहा है, यहाँ की बालकनी थोड़ी बड़ी है ना। हाउसकीपिंग वगैरह रूम सर्विस रिसेप्शन के नंबर हैं। चलो भाई एक कोटेज तो ये था सामने भाई, पहले और भी कोटेजेस हम देख रहे हैं, 30 कोटेज हैं पूरे इनके पास। एक सौ चार, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये देखो सब उधर ही ओपन होंगे। सुकुंदन जी मिले यहाँ पे, और भाई वनवासा से भी कालागढ़ डैम दिखता है, और यहाँ से वो वाटर दिख रहा है वो पूरा कालागढ़ डैम का पानी है। ये देखो आप आराम से देखेंगे, ये वाइट ये पूरा कालागढ़ डैम का वाटर है। उस तरफ पीछे ढिकाला भी दिखता है, ढिकाला की राइट हैंड नहीं पानी है। ये देखो पूरा डैम दिख रहा है, पूरा डैम पहाड़ी के नीचे। तो भाई पूल वाले एरिया में आ गए, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड स्विमिंग पूल। भाई ये तो पूरा एक्साइटेड है, बंदर आए हुए थे पूल में। और ये देखो पूरा कालागढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया दिख रहा है, कॉर्बेट। सुभाष चौधरी व्लॉग्स आ चुका है वनवासा रिजोर्ट में, काफी सालों से था चेकलिस्ट में, फाइनली हेयर। और इससे डिटेल वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी। हाँ वो रहा बच्चों का पूल, वाह भाई वाह, ये इतना गहरा नहीं है, पूल बड़ा है, काफी गहरा है। मतलब वह बच्चों का तो उधर है, और ये तो मतलब 5 फुट का होगा है ना, पूरा एक ही है या स्लाइडिंग में? स्लाइडिंग है सर, ये थोड़ा सा कम है, उधर ज्यादा होगा। एक कोटेज आपका इधर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है सर। अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल है, अच्छा यहाँ पे आके बैठ सकते हैं शाम को। हाँ मेडिटेशन सेंटर इधर से निकल सकते हैं ना, इधर से भी। हाँ इधर से चलेंगे,
वनवासा, बहुत बढ़िया पूल है भाई, मजे करेंगे, खूब नहाएंगे। इवनिंग में तो बस मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग आ जाओ। काफ़ी बड़ी आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 30 एकड़ है, 30 एकड़ में। और लार मिटेज वाले बताते हैं 55 में है, लेकिन मुझे उनका 55 लगा नहीं है, पता नहीं ऐसे लगता होगा। अच्छा, ये शावर चल रहा है, है ना? शावर लेने के बाद ही भाई नहाना है, ये अच्छा है। अरे वाह, अरे वाह, कोई नहीं कोई नहीं भाई, शावर लगा हुआ है, शावर लेने के बाद स्विमिंग पूल में नहाना है, ये रहा। और स्विमिंग पूल के बाद भी नहा लेना, दोनों टाइम नहाना पड़ता, बाद में भी पहले भी। जो हम बात कर रहे थे ना, लार मिटेज में नहीं था ना, हाँ। फिर हमें रूम में आकर नहाना पड़ा। ये भी रूट अलग, ये भी जाएंगे मतलब, हाँ सारे रूट एक ही जगह, रेस्टोरेंट से उतर जा रहा होगा ये, तो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। चलो इधर से चलते हैं भाई, कुंदन जी हमें टूर दे रहे हैं यहाँ का। सो दोस्तों, यहाँ पे ना एयरटेल 5G आता है, और वैसे अच्छा आइडिया भी आई आता है, इनके पास वाईफाई भी है तो ये बेस्ट है। लार मिटेज में वाईफाई नहीं था, वहाँ पे दिक्कत होती है सिग्नल की। अच्छा अच्छा भाई, ये 124 है, 123, 124, 125, 126। अच्छा 122 और 123, ठीक है। दो कॉटेजेस यहाँ है, तीन, दो येरी, यहाँ पर भी एक बार टाइगर, रेस्टोरेंट कौन सा है, रेस्टोरेंट भी देखते हुए चलेंगे। हम उनको बता देंगे क्या खाना है ना, अभी बता देंगे, ताकि हम जब 15-20 मिनट में आए। अच्छा भाई, 127, 128, 129 नीचे प्रॉपर स्वीट रूम बना रखा हमने 6 लोगों का। अरे वाह, और इसमें तो व्यू पूरा जंगल का उस तरफ का, बाकी वो सारे भी उधर का है सर। अच्छा देख लेते हैं एक बार देख लेता हूँ मैं, काफी अच्छा लग रहा है ये उधर से। आ जाओ कुंदन जी भाई, इस रिजोर्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कोटेज उधर है, एक उधर है, पूरा जंगल, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। और लार्मिटेज से इस तरफ देख लेते, इसमें नीचे चलते हैं, आ जाओ। कहाँ है लार्मिटेज? भाई ये क्या बोल रहा है, लार्मिटेज था, लार्मिटेज से तो अच्छा ही है, ऑफ कोर्स भाई बहुत अच्छा है लार्मिटेज से, बस खाना अच्छा। और यहाँ पे बर्ड्स भी कितनी है, इंडियन बैबलर सब आती है। आपकी उम्मीदें कम खराब उतर कह रहा, खाना भी अच्छा है, नहीं बढ़िया है। अच्छा, अरे वाह, रूम उतने ही बड़े हैं ना, बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं। बाथरूम देख लिया आपने? यहाँ पर है फुटबॉल खेलने की जगह, ये वाला ले लो, ये वाला। अरे वाह, ये वाला ले लो, हम फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल नीचे चली गई तो नहीं जाएगी? अरे उस तरफ नीचे चली जाएगी फुटबॉल। अच्छा, वो बैठने का है वहाँ पे, है ना? सबसे ज्यादा बर्ड्स कहाँ पे आती है? पूरे में ही है, अलग अलग सी बर्ड्स बर्ड्स दिख जाएंगे। हाँ, जिनको बर्ड वॉचिंग करनी है वो इधर का लेते होंगे, ऐसा मतलब काफी अच्छा व्यू हमारे लॉन एरिया में भी दिख जाएंगे सर ना। सनसेट उस तरफ से दिखेगा, जो बोल रहे सनसेट सर उधर से दिखेगा, जो आप हैं हम हैं, सनराइज तो इधर से होता है, सनराइज तो इधर से होता है, सुबह की आपको दिख जाएंगे। चलो बहुत कुछ होगा सर, अंकल मैं भी बना लूं आपके साथ व्लॉग। एक्टिविटी एरिया था, हाई रोप एक्टिविटी के लिए हमारा है। अच्छा, रोप वगैरह है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रिजॉर्ट में रुका हुआ है। एक बार देख लेते हैं, चलो अभी चलेंगे, अब सब देखेंगे, अभी रुक जा भाई। देखो वहाँ जंगल में ना सब कुछ, एक्टिविटी एरिया, रोप वगैरह, बहुत बड़ा कॉटेज है भाई। ये फैमिली स्वीट रूम है, 1-to-1। इसमें कितने रूम होंगे सर? दो रूम्स का एक कॉम्बिनेशन बना रखा, कॉम्बिनेशन है, दो रूम का, स्वीट रूम है, फैमिली रूम। अच्छा, इंटरकनेक्टेड है वो? अच्छा, इंटरकनेक्टेड, अगर बीच में बंद भी करना तो बंद भी हो जाएगा, पर आवाज जाती रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा भाई, ये लिटरिंग जोन है, जो कि ये बोल रहे हैं कि बोन फायर या फिर लिकर वगैरह के लिए। अच्छा, अरे वाह, एक एरिया ये भी बनाया भाई आपको, अगर अल्कोहल लेनी है तो इस तरफ से आप घूम सकते हैं। अच्छा, ये गजीब है, हाँ, रात का म्यूजिक भी। अच्छा अच्छा, मैजिक शो भी होता है, आज भी होगा? हाँ सर करेंगे, अगर आप आएंगे तो। अच्छा, बता देना किस टाइम होते हैं। हाँ जी भाई, ये गजीब है, वाह, आ जाओ आ जाओ, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, यहाँ से भी जा सकते हैं। चलो इधर से चलते हैं, आ जाओ, शेफ आपके प्रोफेशनल हैं। हाँ जी सर। चलो बढ़िया है, इसमें तो मजा आएगा, यही है हमारा, ऐसा है ना, जो खाना है वो बता देते हैं, जब तक हम मैजिक शो होगा आज। हाँ। होता है, डेली होता है, डेली होगा, बुक्स भी है। चलो भाई, इनका रेस्टोरेंट देख लेते हैं, ये रेस्टोरेंट है इनका, वाओ बहुत बढ़िया भाई। ये होते हैं रिजोर्ट, जिसको बोलते हैं एक प्रॉपर रिजोर्ट। एक्टिविटी एरिया भी लगेगा,
ये देखो भाई ब्रास के यूटेंसिल्स हैं। अरे ये देखो बच्चों को क्या करने लगा। अरे तो बहुत अच्छा बजाता है, ये बजाता कहीं सीखा इसने? बस हो गया बहुत। सो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, थोड़ी देर में खाना आ रहा है, जब तक हम दोबारा से रिसेप्शन पे चलते हैं। और भाई ये रिजोर्ट इतना बड़ा है ना कि रिसेप्शन में जाने में, स्विमिंग पूल जाने में, उधर रेस्टोरेंट में जाने में इतना चलना पड़ रहा है। ये देखो पेड़ किस तरह का है, अलग अलग कॉटेजेस हैं, पर रियली दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ माई काइंड प्रॉपर्टी। यहाँ तो दो रात रुकना था। लाहर्मिटेज ना जाके यहाँ पे टू नाइट स्टे होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, एक बार वहाँ भी जाना था मेरे को। लोकेशन उसकी भी अच्छी है, ये देखो इस तरफ भी है जिला, इधर भी सब जगह, और इस तरफ भी है कॉटेज। ये तो मैंने दिखाई दी थी, अब मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन पे इस तरफ से। सो ये तो बेस्ट है भाई, जिसको बोलते हैं प्रॉपर रिजोर्ट, ये है रिजोर्ट। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं इतनी, पर एक रात बहुत कम है यहाँ के लिए। अगर आपको कोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिल नहीं रहा है, हल्दू पड़ाव नहीं मिल रहा है, या ढिकाला नहीं मिल रहा है, निराश ना होइए, वनवास आ जाइए मेरे कहने से, मज़ा आ जाएगा। ढिकाला दिख रहा है भाई, ढिकाला पूरा कालागढ़ डैम दिख रहा है, बर्ड्स इतनी है, ओसम प्रॉपर्टी, ओसम, बिल्कुल जंगलों में, बिल्कुल रिमोट एरिया, मज़ा ही आ गया, वाओ सुपर्ब। निशब्द हो गया मैं यहाँ पे आके, ये देखो डव, जहाँ डव बोल रही है। देखो एक कॉटेज, अभी तो मैं उस तरफ से घूम के आया हूँ, वहाँ पे वो कॉटेज है, एक कॉटेज वहाँ बना हुआ है सबसे ऊपर इस तरफ इनका, अलग अलग जगह कॉटेज हैं, बहुत बड़ा एरिया है। इतना मतलब दिमाग खुल जाता है भाई यहाँ पे आके, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, बुक पढ़िए, यहाँ पे आ जाइए, सबसे बेस्ट है। मैं वापस रिसेप्शन पे आ गया हूँ। सो भाई कुंदन भाई को मैं एक बार और परेशान करूँगा, क्योंकि भाई चलो ये वाला कॉटेज देख लेते हैं, स्वीट, जिसमें दोनों रूम इंटरकनेक्टेड है। यहाँ भी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। अरे वाह, रूम तो ये भी काफ़ी बड़ा है, वाशरूम। अच्छा ये इस तरफ है ना, बहुत बढ़िया। इधर से कैसा भी वाला लाइट जलाना। वाशरूम भी काफ़ी बड़ा है, टब वाला नहीं है ना कोई भी, टब नहीं है ना कहीं भी। ये क्या है, बालकनी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बालकनी है, उसमें भी है बालकनी उस तरफ भी। अरे वाह, बोटल ब्रिस्टी और बुलबुल यहाँ बैठी हुई है। अच्छा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक में, तो बस ये थोड़ी सी खटखट की आवाज़ आती रहेगी, इसलिए हमें ये रूम दे नहीं रहते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये तो फिर सुबह को आते होंगे, अभी चले जाएंगे, शाम को ये बंद हो जाएगा, और फिर सुबह आते होंगे 10-11 बजे ना। बस थोड़ी बहुत देर ही होगी, खटपट तो है ना। चलो कोई बात नहीं, और इधर से देख लेते हैं भाई, ये भी बालकनी है, यहाँ से ये भी आ रहा है, सामने एक्टिविटी एरिया है, वहाँ पे ये बच्चे खेल सकते हैं, यहाँ से पूल भी पास है, रेस्टोरेंट भी पास है। और भाई कमरा देखो कितना प्यारा है, फॉरेनर काफ़ी आते होंगे इस प्रॉपर्टी में, है ना? आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? दो ढाई साल। इधर क्या है, वॉशरूम में, इसकी बालकनी कहाँ है? सिर्फ एक ही है इसमें। अच्छा भाई ये यहाँ पे बालकनी इसकी, ये है, ये है। चलो ये वाला तो देख लिया हमने, फैमिली स्वीट, अब इसको देख लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर कैसा है। रेस्टोरेंट के पास ही है ये, और स्विमिंग पूल के भी पास ही है। चलो भाई एक रूम ये देख लेते हैं, 127। ओके ये नया बना है क्या? सो दोस्तों एक रूम ये है, काफ़ी अच्छी आवा रही है, ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा है, यहाँ से ये भी आ रहा है, बढ़िया ठीक है, यहाँ पे खेल सकते हैं। बाथरूम का इसका
बाथरूम ये है, ठीक है, किंग साइज बेड है, मैट्रेस भी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे मैट्रेस हैं। पूछते हैं भाई कैसा है भाई, खाना कैसा है? खाना अच्छा है। अरे वाह, इसने तो थम्स अप दिखा दिया। अच्छा है, नहीं नहीं दिखाना। सो भाई पनीर आया है, दाल आई है, फ्राइड राइस आए हैं और नॉर्मल राइस आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं खाने को। सो दोस्तों खाना तो हो गया, खाना रियली में बहुत अच्छा था। और देखो मैं आपको ना इनका डाइनिंग रूम घुमाना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो मैं इनकी दीवार दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी पुरानी दीवार है, पत्थरों से बनाई हुई है, और यहाँ पर बुक्स बहुत हैं भाई, शेखर गुप्ता, वाग तटाक, और देखो इस तरह से ये डिज़ाइन, बच्चों की किताबें हैं। अब बोर नहीं होने वाले, अभी भी वो बोल रही है, क्या बोलते हैं सर, गुगुती बोलते हैं पहाड़ों में। बाकी चक्की है, चक्की लगा रखी है, लैंप। तो यहाँ पे बिल आया है 2898 का, ज़्यादा आ गया हमारा बफे से, वैसे तो बफे तो 500 रुपये पर। यहाँ पे टीटी की टेबल भी है और यहाँ पे भी काफ़ी सारी बुकें हैं भाई, बुकों की भरमार है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जितने भी लोग आते हैं किताबें पढ़ने ही आते हैं यहाँ पे। और मैजिक शो होगा शाम को, ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ, तुम दोनों के लिए मैजिक शो। यहाँ से मैदावन सफारी गेट 17 किलोमीटर है, 1 नवंबर से 15 जून तक खुलता है। वर्ल्ड रिनोन्ड हंटर जिम कॉर्बेट, हंटर हंटर इसमें क्या होगा जो गोली मारता है, इसमें क्या होगा है? अंदर चलो। सो भाई कार रिजोर्ट तक ही जा रही है, फिर वापस आ जाएगी। मैं थोड़ी देर बाद ना ये भी ब्लॉगिंग करेगा, ये इसको मैं बोलूँगा ब्लॉगिंग करने के लिए। तो एक्चुअली पार्किंग तो यहीं है बाहर ही, रिसेप्शन के बाहर, लेकिन रिजोर्ट जो हमारा कॉटेज है वो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप कार वहाँ तक चली जाएगी लगेज उतार के, फिर ये कार बाहर ही खड़ी करेंगे, और जब आप चेकआउट करेंगे तो एक बार फिर से कार अंदर रिजोर्ट के पास तक चली जाएगी, कॉटेज के पास तक, और फिर वापस आप ऐसा कर सकते हैं, ये ऑप्शन इस कॉटेज में अवेलेबल है। तो आर्मी टेज की तरह नहीं है कि काफ़ी दूर पार्किंग है। राइट लेफ्ट, ये देखो यहाँ पे कुछ बोया हुआ है। तो भैया कार लेकर जा रहे हैं ये। सो भैया हमने ये दो रूम लिए हैं अब, और एक रूम ये है अपना, सोफ़ा कम बेड है और डबल बेड है, और काफ़ी अच्छा रूम है। सो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मुझे कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्दे प्रॉपर हैं, देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि रोशनी आ रही है या फिर पर्दे छोटे पड़ रहे हैं, इस तरह से लगते हैं पर्दे। फॉर ला हर्मिटेज, सोफ़ा कम बेड भी ना अच्छे वाला है, हीटर वगैरह सब दिया हुआ है, वार्डरोब, और वाह भाई वाह। हेलो लक्ष्मी, कैसी हो? शांति है बहुत, चिड़ियाएँ हैं वो देखो, वाह। और क्या चाहिए, अच्छा नहीं है? है बहुत अच्छा है। हमें कमरे में इतनी देर रहना नहीं है, वहाँ दूसरे कॉटेज में आदमी थे वो इधर मुंह करके बैठे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्राइवेसी भी चाहिए, मुझे चाहिए प्राइवेसी, मुझे किसी आदमी दूसरे आदमी की शक्ल देखनी नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं चाहता हूँ ना मुझे कोई देखे ना मैं किसी को देखूँ, मेरी लाइफ ऐसी है। और देखो सामने विलेज, प्यारा सा पहाड़ पर, ये देखो। तो ये बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, लार्मी टेस्ट से तो बड़ा ही है, और तौलिए की क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने रखा हुआ है एक मॉइस्चराइज़र और एक साबुन, शायद इसी से सिर भी धोना है, बॉडी वॉश का भी काम करेगा, और एक टॉवल यहाँ पर रखा हुआ है, वेलस्पन हॉस्पिटैलिटी, अच्छा अच्छा टॉवल है ये, क्वालिटी का, पानी आ रहा है, गीज़र यहाँ पर है, देखते हैं ऑन करके, ऑन हो गया है। सुनो अभी बज रहे हैं 4:30, पता ही हम, मैं आराम करूँगा, 5:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, मैं थक रहा हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। तुम ये ले लो वाईफाई, ये ले लो, ये साथ में रखना, ये फालतू में मैसेज मत करना, मैं कुछ पूछना होगा तो ठीक है, तुम बहुत मैसेज करते हो, ये ले एक ले लें, कर भेज, टेस्ट करी सब, बता दवा दवा। हाँ रही आ रही आ रही,